कटिहार साहेबगंज मनिहारी हाईवे रोड है जो कि कटिहार के हफला की साइड से ही देख सकते हैं, फोर लेन का बाईपास है जो कि एक फ्लाईओवर बनाया गया है और उसमें स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी गई है और आप रोड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप लोग, आई होप आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मजे में होंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग हैं कटिहार फोर लेन बाईपास पे और बाईपास से आपको लिए चलेंगे और दिखाएंगे कि कटिहार फोर लेन जो बन रहा है वो किस जगह से कटिहार बाईपास होने वाला है। तो अभी हम लोग हैं हफला के साइड और हफला साइड से आपको लिए चलेंगे पूर्णिया के छोर तक और दिखाएंगे कि कैसा काम हो रहा है। तो देख सकते हैं कुछ मनिहारी साइड पूरा एकदम नवाबगंज तक रोड आपको चकाचक मिल जाएगा। तो उस जगह से चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा दिखने वाला है। उससे पहले आप इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो सामने में आ रही होगी, वहां जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। सो दोस्तों, मैं बात करूं कि आप ये जो रोड देख रहे हैं ना, ये कटिहार साहेबगंज मनिहारी हाईवे रोड है जो कि नवाबगंज तक पूरा इसी को फोर लेन तक बनाकर रेडी कर दिया गया। सामने देख सकते हैं सर्विस लेन का भी उपयोग किया जा रहा है। रोड पूरा चकाचक नवाबगंज तक है। तो अभी हम लोग इस साइड नहीं चलेंगे, दूसरे साइड चलेंगे और आपको दिखाएंगे कैसा दिखने वाला है रोड। मैं बात कर लूँ कि कटिहार के हफला की साइड से ही देख सकते हैं फोर लेन का बाईपास है जो कि आपको इसी जगह से निकलना होगा। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा बाईपास बनाया गया जो कि आपको सामने कैमरे में दिख रहा होगा और इसी के द्वारा हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखने वाला है। आप देख सकते हैं उस तरफ आपको मिट्टी किस तरह से भराया जा रहा है और उस लेवल तक मिट्टी उस पर गिराना है। मैं जैसे बात करूं कि हफला से जैसे आप आइएगा तो उस समय आपको सामने बाईपास दिखेगा और बाईपास के छोटा सा बगल में ही बस मिट्टी का जो कार बचा हुआ बचा गया है उसमें मिट्टी का कार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है और इधर चलते हैं और दिखा। लोग आ चुके हैं, कह सकते हैं बाईपास हफला बाईपास तिलमारा से जो कि पूर्णिया से कनेक्ट करेगा और सामने में आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा छोटा नाला भी बनाया गया है जो कि पानी बरसात के समय डायरेक्ट इसके थ्रू पानी बाहर निकल जाए और इसमें स्ट्रीट लाइटें भी आगे होगी। और इधर आप देख सकते हैं यह सर्विस लेन है, नीचे से आपको सर्विस लेन दिखेगा। कर लूँ कि देख सकते हैं हफला से जैसे ही आप बाईपास की तरफ निकलिएगा तो आपको देख सकते हैं फोर लेन तो चमकता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। इस पे आप एरोप्लेन का लैंडिंग आराम से करा सकते हैं और आप देख सकते हैं, देखिए कुछ तरफ उधर आपको सर्विस लेन दिखेगा, दोनों तरफ डिवाइडर लगा दी गई है और आगे चलेंगे आगे स्ट्रीट लाइट भी दिख रहा होगा आपको जो कि आगे चलते ही आपको नज़र आने लगेगा। क्या ही रोड है भाई, देखिए भी हम लोग पहुंच चुके हैं चिलमारा के पास और चिलमारा के पास आप देख सकते हैं एक फ्लाईओवर बनाया गया है और उसमें स्ट्रीट लाइटें भी लगा दी गई है और आप रोड देख सकते हैं। क्या ही रोड लग रहा है, मुंबई दिल्ली वाला एकदम फील आपको करा देने वाला है। लोग अभी से ही इस पे आने जाने लगे हैं, क्या लग रहा भाई रोड। और आगे चलेंगे, बैनर उनर भी शायद लगा दिया गया इस रोड पे। देखिए क्या लग रहा है, क्या सुंदर क्या खूबसूरत रोड है, क्या अल्टीमेट रोड लग रहा है। आप देख सकते हैं जैसे ही आप चिलमारा के पास आइएगा, चिलमारा ओवर ब्रिज से आप नीचे उतरिएगा तो आप देख सकते हैं साइड में आपको डिवाइडर जो खंभे होते हैं वो गाड़ दिए गए हैं, लेकिन उसके ऊपर जो रेलिंग होता है वो नहीं बिछा गया, बिल्कुल उस तरह नहीं किया गया। और सामने आप बोर्ड देखिए क्या लग रहा है, दरभंगा 263, बरौनी 226, सिल्लीगुड़ी 200। इस रास्ते आप इतना ये सब जा सकते हैं और फोर लेन रोड है ये। कर लूँ कि अभी हम लोग हफला से अभी डीएस कॉलेज के पास पहुंचने ही वाले हैं और मैं बात कर लूँ कि इधर से आप जा सकते हैं, उधर से मनिहारी की ओर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं धनबाद
धनबाद, कोलकाता और रांची, आपको इतना किलोमीटर पर जाने वाला। और उस साइड भी कुछ डिवाइडर का काम जो है उधर भी अधूरा किया पड़ा। बात कर लो कि अभी आपको मैं हफला बाईपास से लिए आया, और हफला बाईपास से अभी हम लोग आ चुके हैं डीएस कॉलेज के पीछे साइड। और डीएस कॉलेज के पीछे साइड आने तक में मुझे 15 से 20 मिनट लगा, जो कि आप देखे कटिहार का कैसा 4 लेन रोड चकाचक कर दिया गया। और यह लोगों के लिए अभी नहीं खोला गया, लेकिन फिर भी लोग इस पर आवाजाही कर रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में। हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसको मार के प्रेस कर दीजिएगा।